कराची में गवादर में होने वाले राजी मुची पर क्रैकडाउन और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बलूच यकजहती कमेटी की रैली और जुलूसों पर हमले के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में शामिल मुजाहरीन का कहना था कि पुरअमन मुजाहरीन पर तशद्दुद करना और उन पर बराह रास्त गोलियां चलाना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। फायरिंग से मुतअद्दिद लोग जख्मी और जाँबहक हुए हैं, जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आज इसीलिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि कल हमने जो देखा और इतने अरसे से जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से बलोचों पे मुस्तकिल और लगातार रिप्रेशन हो रहा है और जुल्म हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हम अपनी बलोच बहनों के साथ खड़े हैं, हम बलोच कौम के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि हर पाकिस्तान के साथ बराबर का सलूक होना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि बलोचों के साथ अजीब किस्म का सलूक होता है, सिर्फ औरतों को तंग करने के लिए। और उन बलोच औरतों की क्या पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज पे आपको कोई हक नहीं है कि आप लाठी चार्ज करें। आप लड़कियों की चोटियों से बालों से घसीट घसीट कर ले गए हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर है। और हम ये कहना चाहते हैं रियासत को कि अगर आप ये करते रहेंगे तो आप ही के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आप नफरत फैला रहे हैं अपने खिलाफ। देखिए, आवाम का ये हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, और वो उनमें से कोई खवातीन कोई बच्चा आर्म्ड नहीं था, किसी के पास बंदूक नहीं था, डंडा नहीं था, फिर भी आपने उनके पर डंडा चलाया, औरतों के सर के पर आपने बंदूक रखा। तो ये क्या हो रहा है? ये इंसाफ नहीं है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। कहता हूँ अगर उन्होंने हथियार उठाए होते तो हमें दिखाएं, उन्होंने अगर रियासत के खिलाफ नारे लगाए होते आप हमें दिखाएं, लेकिन वो उन्होंने ऐलान किया, मुआहदा किया कि हम गवादर मुआहदा करने जा रहे हैं। गाजी मुफ्ती साहब से कहा कि आपने कहा था कि मुआहदा हुआ है, मुआहदे में शामिल था कि वहाँ जाएंगे। हाँ, अगर वो मस्तूम में आपने उन्हें रोका और दो शहादतें हुई, आप मस्तूम से आगे नहीं जाने देते। जो उनके मुतालबे हैं यही कि लापता को मुश्दा अफराद रहा करो। लेकिन इंटरनेशनल गेम इस वक्त हो रहा है वहाँ पर। अमेरिका ने कहा है कि चीन पास है, सिंध हुकूमत से खास तौर पर कहूँगा, जिसने एक दफ़े 144 लगाई है, आपका राइट नहीं है। जब तक ये पुरअमन है इनको आप नहीं कर सकते, हटा सकते। आप रात को जिनको उठा के ले गए उन्हें आपको वापस लाना पड़ेगा। जब इदारे और एजेंसियाँ ये कहने लगे कि हमारे पास बंदा नहीं है, तो फिर हम पूछेंगे कि फिर किसके पास है? आप मैं कह रहा हूँ हमें ये बताया जाए कि कौन लोग हैं। आप मिसिंग पर्सन की लिस्ट शाय करें, और वहाँ मैं बलोच यकजहती कॉन्फ्रेंस करूँगा, जैसे कि मारन की वालिद को किया गया है, वो भी फहरिस्त शाय करें, शनाख्ती कार्ड दें, उनका पता दें, उनकी तस्वीरें दें। बेसिकली सिविल सोसाइटी ने मगाचे बह गए और ये प्रोटेस्ट मूलों मोरा दिशे के जी बलोच जने नहीं सरा बचका नहीं सरा जो एदा तशद्दुद बिता माँ ये समझे कि अगर प्रेस क्लब में भी स्पेस है श्रिंक करना तो देखिए छः बाकी पशकपी तो मर्ची के मुजाहरा मकसद ही हमेशा के माँ वती नापसंदीदगी इजहार करने का ऐदा करके और माँ जो जी एदा अमल बिता कराची प्रेस क्लब आ बलोच यकजहती कमेटी मर्दुमानी सरा बलोच जालबूलनी सरा माँ आइए मजम्मत करने के वास्ते ऐदा करके और मर्ची जो कराची है सिविल सोसाइटी है आई तो का जर्नलिस्ट शामिल आ प्रोफेसर शामिल आ आर्टिस्ट शामिल आ और आई तो का बाजे प्रोफेशनल्स वकील आ डॉक्टर्स आ सच्चे मर्ची दा आत का बलोचन घुमा इजहार यकजहती करने के वास्ता। तो बेसिकली माँ बलोचन आई पैगाम दे लूटे कि माँ शुमे घुमे और शुमे घुमा हुकूमत और रियासत जो जुल्म कर गए माँ आइए कंडेम कर। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि गवादर का मुहासरा खत्म किया जाए और गवादर समेत बलोचिस्तान भर में मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट समेत कौमी शाहराओं को खोला जाए। वॉश न्यूज़ कराची सिंध।